हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोमन रेंस एंड द रॉक के रसलमीना के मैच के बारे में, ड्रू मैकइंटायर एंड कैरियन क्रॉस के मैच के बारे में, रोमन रेंस के नेक्स्ट पॉसिबल अपोनेंट के बारे में, ब्रॉन स्ट्रोमन के नेक्स्ट पॉसिबल अपोनेंट के बारे में एंड कोडी रोड्स के रिटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द रॉक के बारे में। उनकी नई अपकमिंग मूवी आने वाली है 21 अक्टूबर को, जिसका नाम है ब्लैक एडम। तो इंटरनल सोर्स के मुताबिक ये सामने आया है कि नवंबर में होने वाले सर्वाइवर सीरीज़ के शो में या तो फिर नेक्स्ट ईयर होने वाले रॉयल रंबल के मैच में द रॉक अपनी सरप्राइज एंट्रेंस कर सकते हैं। उसके साथ बता दो कि टॉप 3 सुपरस्टार जो नेक्स्ट रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, उस लिस्ट में द रॉक का नाम भी शामिल है। तो अगर ये सारी रिपोर्ट्स को मिलाकर देखें तो रसलमेनिया 39 में द रॉक एंड रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट में कन्फर्म ही समझ लो। नेक्स्ट स्टोरी कवर करते हैं, जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर एंड कैरियन क्रॉस के बीच में फिलहाल स्टोरी लाइन चल रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों के बीच में पॉसिबली एक मैच हो सकता है। अगर ये मैच हो रहा है तो कैरियन क्रॉस के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर कैरियन क्रॉस इस मैच को जीतते हैं तो रोमन रेंस के पॉसिबल नेक्स्ट अपोनेंट कैरियन क्रॉस भी हो सकते हैं। लेकिन बात करें क्लैश एट द कासल की, जहाँ पे रोमन रेंस एंड टायसन फ्यूरी के बीच में एक सेगमेंट हुआ था जिसमें दोनों ने हैंडशेक किया था। और ये तब की बात है जब रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को हराया था, जहाँ पे सोलो सिकोवा ने उनकी हेल्प की थी। तो इससे पॉसिबली एक रिपोर्ट सामने आ रहा है कि एक्सट्रीम रूल पेपर व्यू के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पेपर व्यू जो कि क्राउन जूल होने वाला है और सऊदी अरेबिया में होने के वजह से टायसन फ्यूरी एंड रोमन रेंस का वहाँ पे एक ऑफिशियल मैच हो सकता है, जो कि बेहद हद तक ये माना जाता है कि एक मनी मैच होगा। उसके बाद बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के बीच में मैच हुआ था, जहाँ पे कोडी रोड्स को सेवरल इंजरीज हुई थी। तो इसके बाद ये रिपोर्ट्स आ रहे थे सामने कि कोडी रोड्स मे बी नेक्स्ट ईयर मार्च में होने वाले इवेंट्स तक अपने मैचेस को मिस करने वाले हैं। बट फिलहाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि कोडी रोड्स की हेल्थ 100% बेटर हो जाएंगी अप टू नवंबर। तो उसके बाद रूमर्स शुरू हो गए हैं कि कोडी रोड्स नेक्स्ट ईयर होने वाले 30-man रॉयल रंबल मैच में अपनी सरप्राइज एंट्रेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्मैकडाउन के रेटिंग्स की, जहां पे लास्ट वीक हुए स्मैकडाउन के शो को 15% का जंप मिला है और स्मैकडाउन की रेटिंग्स 2.3 मिलियन व्यूअर्स आई है, जो कि बोल सकते हैं कि बेहद हद तक सोलो सिकोवा, ड्रू मैकइंटायर, कैरियन क्रॉस और ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है उससे स्मैकडाउन को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। आज की नेक्स्ट टाइम फाइनल स्टोरी कवर करते हैं, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन के पॉसिबल नेक्स्ट अपोनेंट के र्यूमर्स सामने आ रहे हैं। और र्यूमर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि OTC हो गए ब्रॉन स्ट्रोमन के नेक्स्ट पॉसिबल अपोनेंट, और इन दोनों के बीच में एक्सट्रीम रूल्स में मैच होने वाला है। और मैच में पॉसिबली ये स्टिपुलेशन ऐड हो सकता है जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे डेली आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलते रहे। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको और कोई भी अपडेट चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।